अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सट्रीम। और आज मैं हाजिर हूं आप लोगों के साथ एक और न्यू ताजा तरीन वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं रियलमी की तरफ से आने वाले स्मार्टफोन रियलमी 6 की। अब इंडिया में इसके काफी सारे टीजेस आ चुके हैं जहां पर सलमान खान ने अपने हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा हुआ, जो इस बात को कन्फर्म कर रहा है कि रियलमी 6 जो है पंच होल डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन के साथ आएगा, यानी कि इसका जो डिस्प्ले होगा वो एक पंच होल वाला होगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले को इस बार चेंज कर दिया गया रियलमी वालों की तरफ से, और एक अपग्रेडिंग देखने को मिलने वाली है जहाँ पे आपको डिस्प्ले पंच होल का देखने को मिलेगा। और यहाँ पे रूमर्स की तरफ से ये भी कंफर्मेशन आ रही है, ये टीजेस काफी ज्यादा आ रहे हैं कि यहाँ पे आपको इस बार IPS का डिस्प्ले नहीं देखने को मिलेगा बल्कि एक सुपर एमोलेड की स्क्रीन देखने को मिलेगी। तो आगे जाके डिटेल में बात करते हैं रियलमी 6 के अंदर आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाली है। तो उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते साथ ही आपको बेल आइकन का बटन बना हुआ आ रहा है उसे दबा के ऑल कर दीजिए। ऑल करने से ये होगा कि हमारी कोई भी न्यू वीडियो निकल के आएगी फ्यूचर में तो आप उसे मिस आउट नहीं कर सकेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं इस फोन के डिस्प्ले की कि यहाँ पे आपको डिस्प्ले कौन सा ऑफर किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है वो 6.4 इंचेस की एक पंच होल डिस्प्ले वाली स्क्रीन होने वाली है जहाँ पे आपको सुपर एमोलेड की स्क्रीन देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, यहाँ पे आपको इस बार IPS का डिस्प्ले नहीं देखने को मिलने वाला बल्कि एक सुपर एमोलेड की स्क्रीन देखने को मिलने वाली है जहाँ पे आपको फुल HD+ यानी कि 1080p की स्क्रीन रेजोल्यूशन देखने को मिलने वाली है। प्रोटेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कोर इन गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाली है फ्रंट साइड पे। अब चलते हैं इस फोन के चिपसेट की तरफ। अब यहाँ पे आपको चिपसेट की तरफ बताता हूँ, चलो कि यहाँ पे आपको इस बारी क्वालकॉम का चिपसेट नहीं देखने को मिलने वाला बल्कि इस बार आपको मीडियाटेक का चिपसेट देखने को मिलने वाला है हीलियो G90, जहाँ पे आपको प्रोसेसर ऑक्टा कोर देखने को मिलने वाला है। GPU यहाँ पे आपको माली G52 देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे OS की बात करूँ तो यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 10 के सपोर्ट के साथ आएगा, जहाँ पे आपको रियलमी की UI भी देखने को मिल जाएगी लेटेस्ट, जहाँ पे आप डार्क मोड की भी फैसिलिटी को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डार्क मोड भी देखने को मिल जाएगा इस फोन के अंदर क्योंकि यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 10 की सपोर्ट देखने को मिलेगी आउट ऑफ द बॉक्स। तो यहाँ पे वेरिएंट की बात करूँ तो यहाँ पे कंफर्मेशन आ रहे हैं कि यहाँ पे आपको फिलहाल अभी जो कंफर्म हुआ कि एक वेरिएंट का पता चला कि यहाँ पे आपको एक वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि 4GB की रैम वाला होगा, जहाँ पे आपको 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी। अब ये नहीं कंफर्म कि यहाँ पे आपको 3GB वाला वेरिएंट आता है या 6GB वाला वेरिएंट देखने को मिलता है, ये भी कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन यही है कि एक 4GB वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज के साथ आएगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ इस फोन की तो यहाँ पे आपको जो बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी वो प्लास्टिक की होगी। बैक साइड पे यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाएं क्योंकि यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ फिंगरप्रिंट स्कैनर के ऊपर कि रियलमी की तरफ से यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो आपको बैक साइड पे देखने को मिलने वाला है। तो रियलमी को यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि यार क्यों, वाई, कि यहाँ पे आपको बैक साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर क्यों देखने को मिल रहा है जब आपने सुपर एमोलेड की स्क्रीन प्रोवाइड कर ही दी है। तो यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड कर देना चाहिए था क्योंकि आपके जो यूजर्स हैं उनको काफी एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे। तो यहाँ पे क्यों आपने ये किया यार, मुझे पर्सनली यहाँ पे दुख हुआ है कि रियलमी ने ऐसा क्यों किया। आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाना चाहिए था क्योंकि इसकी जो प्राइस निकल के आ रही है ना उस हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाना चाहिए था यार। तो अब चलते हैं इस फोन के कैमरास की तरफ। तो बैक साइड पे यहाँ पे कैमरास में अपग्रेडिंग की गई है जहाँ पे आपको मेन सेंसर जो देखने को मिलेगा वो 64 मेगापिक्सल का वाइड होगा। एक कैमरा यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर का देखने को मिलेगा, 5 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको मैक्रो का सेंसर देखने को मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। फ्रंट साइड की बात करूँ तो फ्रंट साइड पे यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक कैमरा देखने को मिलेगा जो कि पंच होल डिस्प्ले के अंदर होगा। यहाँ पे आपको वाइड सेंसर की भी स्पोर्ट देखने को मिल जाएगी फ्रंट साइड के कैमरे के अंदर। तो यहाँ पे अब चलते हैं इस फोन के चार्जर की तरफ। तो यहाँ पे आपको जो चार्जर प्रोवाइड किया गया वो 20 वोल्ट का एक वोक चार्ज है जहाँ पे आपको 4200 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको टाइप सी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। माइक्रो यूएसबी कनेक्टिविटी को इस बार खत्म कर दिया गया यहाँ से और इस पर इस फोन के अंदर आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। ओवरऑल यही थी फोन की स्पेसिफिकेशन वगैरह, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अब चलते हैं इस फोन के प्राइसिंग की तरफ। तो यहाँ पे इसके प्राइसिंग यार मुझे ओवर प्राइस ये फोन लग रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं दिया। अगर यहाँ पे आपको फोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जाता तो मैं इस फोन को ओवर प्राइस ना कहता, पर यहाँ पे ये फोन मुझे अभी ओवर प्राइस लग रहा है। बाकी ये जब पाकिस्तानी मार्केट में आएगा तभी डिसाइड करेंगे कि फोन आपको वैल्यू फॉर मनी डिवाइस बनता है या नहीं बनता। तो यहाँ पे जो इसकी प्राइसिंग निकल के आई है वो 39,000 है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपको इसकी प्राइसिंग कैसी लगी है और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे रियलमी वालों से। और रियलमी के अगर आप यूज़र हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा रियलमी के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और रियलमी के स्मार्टफोन्स आपको कैसे लगते हैं और क्या इन फ्यूचर आप रियलमी के और स्मार्टफोन बाय करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो आज के लिए इतना ही, मुझे ज़्यादा देर, मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू मोबाइल के अनबॉक्सिंग के साथ किसी न्यू टेक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।